मूवमेंट को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन समझना पड़ेगा 2 मिनट। बहुत छोटा सा चीज़ है और ये है, मतलब एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसलिए 2 मिनट समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। तो मेरा तुम लोग को आवाज़ आ रहा है, एक बार हेलो बोल दो सब लोग। आवाज़ आ रहा है और क्वालिटी क्लियर आ रहा है तो हेलो बोलो सब लोग। तुमको आ रहा है उज्ज्वल? उज्ज्वल, अमीशा, है ना? ठीक है, देखो यहाँ पर पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में क्या समझना है कि जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेव है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर चलो हम ये डायग्राम नंबर ए बना रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास दो वेव है। तुम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझता है, एक बार यहाँ पर समझा रहे साइड में 2 मिनट, क्योंकि बहुत बार हम ये रिपीट करेंगे, ये वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हालांकि ये पहले जो पहले है, पहले का क्लासेस में ये पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक बार समझ लो जिसको नहीं आता है। देखो जैसे मान लो कि ये वेव है मेरे पास, इसको थोड़ा थोड़ा और आगे ले जाते हैं, यहाँ तक मान लो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं कि ट्रफ बोलते हैं, बताओ? बोलो, तुम बोलो। क्रेस्ट बोलते हैं इसको कि ट्रफ बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं इसको, क्रेस्ट, और ये नीचे वाला को ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे करके आगे चलते जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये हम एक वेव बना रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड ऐसे गया, ठीक, और एक इसी के जस्ट सामने एक और हम वेव बना रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड भी ऐसे गया। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो ये भी ऊपर, मतलब इसका ये क्या है, क्रेस्ट, और ये भी क्या है, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्रेस्ट मिलके मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहां पर जो हमको वेव मिलेगा इसका एम्पलीट्यूड हमको कैसे मिलेगा, इन दोनों का? देखो इसका मान लो एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड समझता है तुम लोग? एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कि एक वेव जो है, लाइट एक वेव है ना, तो लाइट को अब हम लोग वेव के जैसे ट्रीट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, तो एक वेव कितना ऊपर गया उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। सर ऐड क्यों होगा? ऐड इसलिए होगा क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन ऊपर, देखो इसका जो ये वाला जो है इसका एम्पलीट्यूड ऊपर और इसका भी ऊपर, नीचे कोई नहीं जा रहा, यानी दोनों में क्रेस्ट बन रहा है। सी का मतलब यहां पर क्या है, क्रेस्ट, दोनों में ऊपर वाला चीज बन रहा है, ट्रफ किसी में नहीं बन रहा है, दोनों में क्या बन रहा है, क्रेस्ट, यानी कि ऊपर वाला चीज। तो दोनों में क्रेस्ट बन रहा है, तो क्रेस्ट अगर बन रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर ये और ऊपर चल जाएगा और मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ए प्लस ए टू ए हो गया, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड ऐड ऑन हो गया। तो इसी इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों वेव्स का डायरेक्शन सेम हो, दोनों हमेशा क्रेस्ट ही बनाए। अब आते हैं दूसरा दूसरा एग्जाम्पल इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि पार्ट नंबर बी। अब आते हैं, देखो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि ए प्लस ए ही होगा, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा ए प्लस ए और यहां पर टू ए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि हम लोग यहां पर ये समझ सकते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ के एक और मैक्सिमाइज कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम कम होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा दोनों का एम्पलीट्यूड का। अब देखो बी नेक्स्ट, देखो इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं इस बार कि एक वेव नीचे लेते हैं और एक और भाई उसी का सेम लेते हैं और इसको भी नीचे लेते हैं। तो अब जब नीचे लोगी, यानी कि दोनों क्या है, दोनों ट्रफ है, देखो दोनों नीचे आ रहा है ना, दोनों ट्रफ हुआ, देखो ये भी नीचे ये भी नीचे। तो इस बार अब रिजल्ट क्या मिलेगा, नेट इसका एम्पलीट्यूड कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नेट एम्पलीट्यूड थोड़ा और बड़ा मिलेगा। देखो मान लो ये ए एम्पलीट्यूड था, ये ए एम्पलीट्यूड था, तो नेट एम्पलीट्यूड थोड़ा और बड़ा मिल गया, ठीक, ये हो गया इसका रिजल्ट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट और आगे चलते हैं। हाँ बोलो ना। उसका एम्पलीट्यूड ऐसा कोई जरूरी नहीं है टू ए होगा कुछ, मतलब कि लेकिन हाँ इन दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ गया ना, ऐड हो गया, तो मैक्सिमाइज तो होगा, लेकिन कितना होगा वो ऐसे टू ए लिखना सही नहीं रहेगा, समझी? मैक्सिमाइज हुआ तो कितना हो गया मैक्सिमाइज होके, तो वो टू ए लिखना ऐसा कोई सही नहीं है, ऐसा कोई कन्वीनियंट नहीं है। मतलब हम लोग पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि ये टू ए ही हो सकता है टू ए से थोड़ा कम हुआ हो सकता है टू ए से थोड़ा ज्यादा हुआ हो, समझ रही हो ना? क्योंकि ये लाइट है ना, साउंड है ना, है लाइट है, तो लाइट जो होता है वो कितना ग्लो करेगा, इसको थोड़ा सा एकदम एग्जैक्टली टू ए बताना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा उसमें, समझी? तो इसलिए हम इसको टू ए नहीं लिख रहे हैं। हाँ लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हुआ है। तुम ये बोल सकती हो कि जैसे मान लो कि इसका इस वाले का एम्पलीट्यूड ए वन, इस वाले का एम्पलीट्यूड ए टू, तो ये जो हमको मिला ये क्या होगा, ए वन प्लस ए टू, लेकिन ए प्लस ए टू ए, ऐसा मतलब कि उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये दोनों ऐड होके हो रहा है टू ए, तो ये जो एम्पलीट्यूड 2a आएगा हो सकता है कि ये थोड़ा सा 2a से कम आए एम्पलीट्यूड। a3 जो आएगा इसका नया एम्पलीट्यूड a3 जो आएगा हो सकता है वो 2a से कम हो थोड़ा, या हो सकता है 2a से थोड़ा और ज्यादा हो,
समझ रही हो ना? हाँ, तो इसलिए हम 2a नहीं लिख रहे इसको डायरेक्टली, इसको तुम a3 बोल सकती हो। जैसे ये a1 ये a2 तो इसका a3, वैसे ये a1 ये a2 तो इसका a3। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट। हालांकि बहुत लोग 2a बता भी देता है ना, जैसे बहुत लोग बोल देते a प्लस ए 2a, ठीक भी है वो, लेकिन पूरा पक्के तौर पे सही नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लाइट का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इधर ये हुआ तुम्हारा ए, ये हुआ बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। इस तरफ दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर एक वे ऊपर जा रहा है और दूसरा जस्ट उसका अपोजिट नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रेस्ट। और ये क्या हो गया? ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ, देखो एक ऊपर दूसरा नीचे, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, यानी कि ये ए है और ये क्या है? ए। तो अपोजिट में है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमको? आंसर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर देखो ये बन गया, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। यानी कि जब दोनों एम्पलीट्यूड्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जब दोनों एम्पलीट्यूड्स का डायरेक्शन सेम होगा तो एम्पलीट्यूड को क्या करना है? ऐड करना है। जब दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुआ तो ऐड किए, दोनों का नीचे की तरफ हुआ तब भी ऐड किए, दोनों का लेकिन सेम डायरेक्शन होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा तभी। यहां पर देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आउट ऑफ फेज हो गया। तो फेज सेम नहीं हुआ तो यहां पर क्या मिल गया? जीरो। यानी कि यहां एम्पलीट्यूड क्या होगा? नियरली इक्वल टू जीरो। पूरे तरीके से अंधेरा होगा ही, पूरा ही अंधेरा होगा, लेकिन 100% अंधेरा ऐसा बोलना गलत है, इसलिए यहां पर हम एम्पलीट्यूड को नहीं मेंशन कर, लेकिन हां स्ट्रेट लाइन बनेगा। आया समझ में तुम लोगों? जी ये कहानी ये वाला अगर ऐसा रहेगा तब खुशबू, अगर ऐसा रहेगा तब ये जैसे ऊपर एक बन रहा है और दूसरा मेरे पास एक और वेव है वो थोड़ा इस टाइप से बन रहा है। चलो हो तो गया सारा एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, इतना इनफ है, समझ गई होगी तुम लोग कैसे यहाँ पर बन रहा है ये। क्या बोल रही हो? हाँ ऊपर ही बनेगा, करेक्ट। तो ये तीन केस हो गया, इसको छाप लो। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक इधर एक साइड में, बस इसको छाप लो। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है? अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जब हो गया ऐसा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम। इसको मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऐड हुआ। इसको क्या बोलेंगे भाई? ये वाले को क्या बोलेंगे? ये वाले को मैक्सिमम बोलो। आया समझ में? ये मैक्सिमम हुआ कि नहीं? देखो तो, देखो नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे, देखो तुम बोलोगे सर ये तो नीचे में है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में है तब भी तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो ऐड होके मैक्सिमम ही मिलेगा। दोनों ऊपर था तो भी ऐड होके क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और जब दोनों का अपोजिट रहेगा तब जीरो होगा, यानी कि मिनिमम। इसको तुम अभी जब YDSC पढ़ोगी ना तब समझ में आएगा कि सर ये वाला क्यों बता रहे हैं। YDSC में ये अभी यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? चलो इसको हम हटा रहे हैं अब। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ जोरदार एकदम, जो अभी हम समझाए थे वही। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखेंगे। वेन नंबर ऑफ वेव्स, जैसे अभी हम लोग देखे थे यहाँ पर कि अभी हम लोग जस्ट ये देखे थे, देख चुके थे कि जैसे मान लो ये वेव ऐसे ऊपर गया है ना, और एक और वेव था मेरे पास, ये भी ऐसे ऊपर जा रहा था, तो कम से कम दो वेव है, तो इसी को बोल रहा है नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ये दोनों कोई ना कोई मीडियम से चल रहा होगा, या तो एयर है ना, या तो एयर या तो वैक्यूम। लाइट है ना, तो लाइट तो किसी भी मीडियम में चल सकता है, एयर वैक्यूम सब में चलेगा। थ्रू अ मीडियम सुपर पोज ऑन ईच अदर, ये इसके ऊपर, तो दोनों क्या रिजल्ट मिलेगा? दोनों का मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पर, और अलग अलग केसेस में क्या क्या होगा वो हम समझा दिए, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो y1 ऊपर की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट y2, तो इसको क्या लिखेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट y, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं बताओ? दोनों का डिस्प्लेसमेंट y1 y2 जुड़ के क्या दे दिया हमको? y। तो बोला द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। इंडिविजुअल वेव किसको बोल रहे हैं? ये दोनों को, ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल का जो डिस्प्लेसमेंट है y1 y2 दोनों का वेक्टर सम करेंगे, इंडिविजुअली जोड़ेंगे दोनों को। मतलब कुछ ऐसा कि y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, ये दोनों का इंडिविजुअल कैसा सम? वेक्टर सम। क्या दे देगा हमको? y। वही तो कर रहे हैं भाई, हैं? वही तो कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर दो वेव रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही रहे, हो सकता है तीसरा भी हो। तो एक और अगर आ गया तो उससे क्या होगा? खुशबू, जैसे मान लो ये ऐसा आ गया, जैसे ये एक, ये दो, और ये दो, और ये एक और तीन,
क्या करोगी? ये तीनों जुड़ के क्या होगा? सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा रिजल्ट बताओ? मैक्सिमाइज की मिनिमाइज? मैक्सिमम होगा, यानी कि और बड़ा वेव बन जाएगा। तो हम इसका अगर फॉर्मूला लिखें एक एक लाइन में तो क्या लिख सकते हैं? y वेक्टर इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? yn तक। जितना तुमको वेव्स लेना है, n का मतलब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स सुपरपोजिंग, इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लोग सुपरइंपोज कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब समझ रही हो? मतलब देखो यहां पर, देखो यहां पर मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ना, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, दोनों पॉइंट मिलके मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट अब हम लोग एकदम चलते हैं किस तरफ? इंटरफेरेंस की तरफ, है ना? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस।